बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा कितना है यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिस पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है भारत के उसी पूर्वी हिस्से में बिहार बसा है, लेकिन इस राज्य ने विकास कम और बाहुबली नेताओं का उदय ज्यादा देखा है। बाहुबलियों के बीच एक नाम है दबंग और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह का, जो अभी बिहार की राजनीति और कई राजनेताओं की चर्चा की वजह बने हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। सबसे पहले यह समझते हैं कि आनंद मोहन है कौन और क्या है पूरा मामला। आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। बिहार में राजनीति जातिगत समीकरणों और दबंगई पर चलती है। आनंद मोहन ने इसी का फायदा उठाया और राजपूत समुदाय के नेता बन गए। साल 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तो उन्हें आनंद मोहन ने काले झंडे दिखाए थे। वहीं साल 1980 में उन्हें समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना भी की थी, जो निचली जातियों के उत्थान का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। इसके बाद से तो उनका नाम अपराधियों में शुमार हो गया और वक्त वक्त पर उनकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित होने लगे। उस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। वहीं साल 1983 में आनंद मोहन को 3 महीने की सजा भी हुई थी। आनंद मोहन की कैसे हुई थी राजनीति में एंट्री, अब यह समझते हैं। साल 1990 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने उन्हें महसि विधानसभा सीट से मैदान में उतारा और वह इस सीट से जीत हासिल की। हालांकि जब सत्ता में बदलाव हुआ, खासकर साल 1990 में, तो राजपूतों का दबदबा बिहार की राजनीति में कम होते गया। वहीं साल 1990 में सरकारी नौकरियों में अन पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की थी, जिसे जनता दल ने अपना समर्थन दिया। लेकिन आरक्षण के विरोधी आनंद मोहन को यह कदम कैसे अच्छी लगती, इसलिए उन्होंने अपने रास्ते अलग कर लिए। साल 1993 में आनंद मोहन ने अपनी खुद की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी यानी बीपीपी बना ली। फिर बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया। 1995 में उनकी बिहार पीपुल्स पार्टी ने नीतीश कुमार की समता पार्टी से बेहतर प्रदर्शन किया था। साल 1999 में आनंद मोहन का मूड बदला और बिहार पीपुल्स पार्टी ने लालू यादव की आरजेडी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का साथ पकड़ा। बीजेपी ने उन्हें समर्थन दिया ताकि एनडीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। अब यह समझिए कि आनंद मोहन को किस मामले में सजा मिली थी। साल 1994 में एक मामला ऐसा आया जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 5 दिसंबर 1994 को गोपालगंज के दलित आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की भीड़ ने पिटाई की और गोली मारकर हत्या कर दी। इस भीड़ को आनंद मोहन ने उकसाया था। इस मामले में आनंद मोहन सहित 6 लोग आरोपी थे। फिर क्या था, जैसे हर मामले में होता है वैसे ही इस मामले में भी हुआ। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत में यह पहला मामला था जिसमें एक राजनेता को मौत की सजा दी गई थी। हालांकि साल 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और वहीं साल 2012 में आनंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सजा कम करने की मांग भी की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। आनंद मोहन को रिहा करने के लिए क्या कानून बदला गया है? हाल में ही बिहार की नीतीश कुमार के गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया। यह नोटिफिकेशन 10 अप्रैल को जारी हुआ। असल में बिहार के कानून में अब तक यह था कि सरकारी अधिकारी की हत्या करने के दोषी को किसी भी आधार पर रिहा नहीं किया जाएगा। इस नियम के मुताबिक कैदी को अच्छे व्यवहार के मद्देनजर रिहाई से रोकता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने जेल नियमावली में संशोधन किया। इसमें बदलाव करते हुए उस पार्ट यानी बिहार जेल नियमावली 2012 के नियम 481A को हटा दिया गया, जिसमें लिखा था कि सरकार अधिकारी की हत्या के दोषी को किसी भी आधार पर जेल से रिहा नहीं किया जाएगा।
अब यह नियम बाहुबली आनंद मोहन पर लागू हो रहा था क्योंकि आनंद मोहन पर पूर्व डीएमजी कृष्णैया की अपनी मौजूदगी में हत्या करने का आरोप था, जिसे कोर्ट में साबित भी कर दिया गया था, फिर सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन अब उस पार्ट को हटा दिए जाने से बिहार में चाहे किसी सरकारी अफसर का हत्या क्यों ना हो, उसे जेल नियमावली के आधार पर रिहाई मिल सकती है। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन ने बिहार सरकार द्वारा आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने का विरोध जताया है। कहा कि गोपालगंज के पूर्व डीएम की हत्या के दोषियों को रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले पर कैदियों के वर्गीकरण नियमों में बदलाव पर गहरी निराशा व्यक्त करता है। आईएएस एसोसिएशन द्वारा जारी लेटर में कहा गया कि नियमों में संशोधन कर लोक सेवक की हत्या के आरोप में दोषी को जघन्य श्रेणी में फिर से क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसलों से लोक सेवकों के मनोबल में गिरावट आती है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नेताओं का क्या कहना है, इसे देखते हैं। महागठबंधन सरकार के सहयोगी भाकपा माले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अपनी ही सरकार का विरोध किया। भाकपा माले बिहार सरकार के इस कदम को भेदभाव पूर्ण बताया। और इधर भाजपा सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि SC ST समुदाय के सरकारी अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सजायाफ्ता बंदी को भी रिहा किया जा रहा है। और मायावती ने भी कहा कि आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन DM श्री कृष्णैया की हत्या के मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि उनकी रिहाई से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आनंद मोहन बेचारे बलि के बकरे बनाए गए थे। क्या जाति समीकरण के चलते बाहर निकाले गए हैं आनंद मोहन? आनंद मोहन की रिहाई से राजनीतिक पहलू पर अगर गौर करें तो सत्ताधारी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार है, उसे लगता है कि बिहार के राजपूत समाज का समर्थन उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। आनंद मोहन के जरिए RJD राजपूत वोटों को अपने पाले में लाना चाहती है, तो BJP भी इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है। बिहार में राजपूत वोटों के समीकरण को देखते हुए आनंद मोहन की रिहाई पर BJP खामोशी अख्तियार कर रही है या फिर उनके पक्ष में खड़ी है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान से साफ जाहिर होता है कि BJP काफी एहतियात बरत रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि राजपूत समाज ये मान ले कि BJP राजपूत समाज के खिलाफ है, इसलिए बच बचा के ही BJP कदम उठा रही है। हालांकि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि जब आनंद मोहन की बेटी की शादी थी तो आशीर्वाद देने के लिए बिहार के CM नीतीश कुमार, जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव सहित अन्य पार्टियों के भी नेता पहुंचे थे। और वहीं नीतीश कुमार के अलावा BJP के विधायक नीरज कुमार, BJP नेता शहनवाज हुसैन सहित सुशील कुमार मोदी ने भी आनंद मोहन से मिले थे और ट्विटर पर फोटो भी शेयर किया था। तो क्या इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि BJP भी आनंद मोहन की रिहाई के साथ है? वहीं आपको बता दें कि 27 अप्रैल की सुबह 4:30 बजे आनंद मोहन को रिहाई मिल गई है। अब देखना होगा कि पक्ष या विपक्ष किसको फायदा मिलता है, क्या नीतीश कुमार का यह दांव सफल रहता है या नहीं। हालांकि यह बात 2024 में ही पता चल सकेगा। इसी तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए मॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें।